जनपद संबल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार बिश्नोई द्वारा बताया गया कि जनपद में दिनांक 7 मार्च 2022 से सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 3 चरणों में, प्रथम चरण दिनांक 7 मार्च 2022, द्वितीय चरण 4 अप्रैल 2022 एवं तृतीय चरण 2 मई 2022 में चलाया जाएगा, जिसमें 2 वर्ष के बच्चों को 8 जानलेवा बीमारियों टीवी, गलघोटू, काली खांसी, टेटनेस, दिमागी बुखार, पीलिया, खसरा एवं पोलियो एवं गर्भवती महिलाओं का 1,292 सत्र ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगाकर 19,894 बच्चों एवं 6,669 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। इंद्रधनुष के अभियान की शुरुआत की जा रही है, क्या है अभियान? ये हमारा सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 4.0, ये हमारा 7 मार्च से पहला चरण होगा। इसको हम 3 चरणों में चेक करेंगे, 7 मार्च, 4 अप्रैल और 2 मई। इसमें हम 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को और सभी गर्भवती महिलाओं को, जिनके की टीके अभी पिछले कुछ समय से छूट गए हैं, उन सबका इसमें टीकाकरण करके उनको आच्छादित पूर्ण करेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हम 1292 सत्र लगाएंगे और 19,894 0 से 2 वर्ष के बच्चे ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनके की टीके छूटे हुए हैं, तो उनके टीके लगाएंगे। और 6,669 गर्भवती महिलाएं ऐसी प्राप्त हुई हैं सर्वे के दौरान, जिनके की टिटनेस के टीके नहीं लगे हैं, कि उनको इस पूरे अभियान में करके इनको आच्छादित किया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान भी चलाया जाएगा? हाँ, हमारा NID के अंतर्गत पल्स पोलियो प्रोग्राम 20 मार्च को से इसकी शुरुआत होगी। 20 मार्च को बर्थ डे होगा और वो प्रोग्राम भी इस बार जो हमारा पिछले महीने थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया था, वो 20 मार्च से उसकी शुरुआत होगी। 20 मार्च से उसको करेंगे।